ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधा सुधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात करेंगे 26वें दिन के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इस समय के अनुसार जो अवस्थाएं चल रही हैं उसके अनुसार हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य मतलब क्या हुआ कि कहा जाता है ना कि बस मेरा बस मन उठ गया है सारी चीज़ों से, लोगों से, इंसानों से। मन उठ गया मतलब का उसका मतलब ये नहीं कि हमारा उनसे मन मिलना बंद हो गया है, लेकिन हमें उनसे इच्छाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि मैं प्रेम की इच्छा करूं, शांति की इच्छा करूं, खुशी की इच्छा करूं, इंसान से, संबंधों से, व्यक्तियों से, दोस्तों से। तो वो इच्छा उठ चुकी है। क्यों? क्योंकि किसी का भी कलयुग में मन इतना ज़्यादा साफ सुथरा है नहीं जो कि वो सदा हमारे लिए सोचे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति, घर बार में रहते हुए भी, दोस्तों के साथ में होते हुए भी, उनसे कोई इच्छा ना रखते हुए जीना। तो देखें परमात्मा क्या कहते हैं और इसमें और कौन सी वैराग्य की बात होती है। टाइटल में बाबा कहते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को, अब परमात्मा मेरेपन की बात कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं, मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। जैसे कि हमने कल देखा था कि अगर हमें, हम चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई माने, या हमारे साथ में किसी को दिक्कत ना हो, तो हमें रॉयल रूप का मोल्डिंग आनी चाहिए। जैसे कि 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो जल्दी से मोल्ड हो जाता है, लेकिन उसमें अगर अलॉय मिक्स हो जाए, अगर अहंकार मिक्स हो जाए, मेरापन मिक्स हो जाए उसके अंदर, मैं ही सही हूँ, मेरा ही तरीका, तो फिर लोग पसंद करना कम कर देते हैं, दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, इसमें विस्तार में चलते हैं, समय की समीपता प्रमाण, वर्तमान समय के वायुमंडल में, ये जो वायुमंडल चल रहा है दुनिया में, जिस तरीके का हालत चल रही है अभी, बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। हद का वैराग्य क्या हो गया कि चलो ठीक है, आपने घर बार छोड़ दिया, आपने बीवी को छोड़ दिया, आपने हस्बैंड को छोड़ दिया, आप चले गए संन्यास करने के लिए, बच्चों को छोड़ करके, धन को छोड़ करके, ये दुनिया का मोह छोड़ करके आप चले गए और आपने क्या कर लिया, संन्यास करना शुरू कर दिया। वैसे संन्यास करने वाले भी काफ़ी सारे लोग जो कि जंगलों में रहते थे, वो आज जंगलों में रहते नहीं हैं, वो आ चुके हैं सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया है बहुत सारों ने, जो संन्यास करते थे पहले। तो वर्णन कहते हैं वो भी संन्यास काम नहीं करेगा, लेकिन आपको कौन सा संन्यास काम करना है, बेहद का वैराग्य वाला संन्यास। उसमें क्या करना है, यथार्थ वैराग्य व्रत का अर्थ है, जो सच्चा, जो परमात्मा की डेफिनेशन, अब कि वैराग्य का अर्थ क्या है, घर बार छोड़ना नहीं, उसका अर्थ क्या है, सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा, कि आप सर्व के संबंध संपर्क में आते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप घर बार में रहते हो, आप घर के चाहे फैमिली मेकर भी हो, आप वाइफ हो, बहू हो, जो भी हो आप, है ना, बेटी हो, लेकिन आपको सब कर्म करते हुए वैराग्य वृत्ति क्यों जरूरत है, क्योंकि सर्व आत्माओं के संस्कार आजकल लेने के हैं, देने के कम हैं। तो हमें क्या बनना है, हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। लेकिन जब हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है, तो हम हर कर्म को नाप तोल के जब करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में हमें इच्छाएं जागृत होती है कि मैंने इतने सालों से आपके लिए काम किया, आपने मेरे लिए क्या किया, मैंने इतने महीनों से आपकी सेवा करी, आपने मेरे को कुछ पूछा भी कि नहीं पूछा। तो ये सारी जो चीज़ को हम कहते हैं नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो एक्सपेक्टेशंस आई जाती हैं। परमात्मा कहते हैं अगर ये चीज़ नॉर्मल है तो फिर दुख आना भी नॉर्मल है, फिर अशांत होना भी नॉर्मल है, लेकिन फिर हम शांति क्यों ढूंढते हैं, फिर हम सुख क्यों ढूंढते हैं। तो परमात्मा कहते हैं या तो एक सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो इसलिए हमें न्यारा और प्यारा, इसको विस्तार में लिख के चलते हैं। बाबा कहते हैं प्यारा किसका होंगे, परमात्मा का प्यारा हो पाएंगे, औरों से न्यारा हो पाएंगे। लेकिन अगर औरों का प्यारा बनने की कोशिश करेंगे, औरों के लिए हम प्यारा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे कर लें तो हमें वो प्यार दें, हमें ऐसे कर लें तो हमें और प्यार दें, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि मैंने इतनी सैक्रिफाइस करी आपके लिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम इनकी सेवा करें बिना कुछ इच्छा रखे हुए, तो वो सेवा सच्ची सेवा बन जाती है। उसमें फिर हमें कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम कर रहे किसके लिए, उनके लिए, परमात्मा के लिए। लेकिन अगर हम कर रहे हैं, मैंने अपने माँ के लिए किया, मैंने अपने पिता के लिए किया, मैंने अपने बच्चों के लिए किया, मैंने अपनी बेटी के लिए किया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया, वाइफ के लिए किया, मैंने, उनने नहीं करवाया, मैंने किया, अगर तो फिर वहाँ पे मेरापन आ गया, मैंने एफर्ट डाला, मैंने सब कुछ किया, अब मुझे रिटर्न में दो। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं फिर जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है। जो न्यारा और उसे न्यारा,
और परमात्मा का प्यारा है, वो निमित्त है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। हाँ मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं उसका सिर्फ किरदार निभा रही हूँ आत्मा, लेकिन दुनियावी अनुसार बेटी को वापस कुछ चाहिए, बहू हूँ तो बहू को कुछ मिलना चाहिए, बेटा हूँ तो बेटे को मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, वो सोच के कर्म करना, वो सोच के सेवा करना किसी की, वो परमात्मा कहते हैं वो मलिच्छ बुद्धि वाला, वो अपवित्र बुद्धि वाली सेवा हो गई, वो उनके अनुसार सेवा नहीं हुई। और उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ आपको कमी कमजोरी आपको, या आप परिपक्व या पूरे या संपूर्ण, या आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आपने इतना किया और आपको कुछ रिटर्न में मिला। लेकिन अगर परमात्मा को समझ करके करते हैं तो हम हमेशा संपूर्ण रहते हैं, हमें कुछ वहां से ना भी मिले तो भी हम सेटिस्फाइड रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता, और निर्माण है ना, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, हर कोई तो वही तो करता है, मेरा आइडिया, मेरा प्लान, मैंने इतना किया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने इतने साल लगाए, मेरी एनर्जी, मेरा पैसा, ये सब कुछ मेरा 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 हो गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग के अनुसार मिले हैं, तो मैंने मेहनत करी, मेरा स्थान है, मेरी जगह है, मुझे भाग्य के अनुसार ये साधन मिले हैं, मैंने की मेहनत इसलिए मुझे मिला है। तो परमात्मा कहते हैं तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। तो घर में भी अगर ऐसा हो कि मेरा घर है, मैंने बनाया है, मैंने मेहनत करी, मेरे पैसे से हुआ है, इस घर में मेरे रूल्स चलेंगे, मेरे अनुसार चलना चाहिए, तो इस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती। तो परमात्मा इस विद्या को हमें और गहराई से समझाते हैं ताकि हम अपने घर में शांति लाएं, अपने परिवार में शांति लाएं, अपने बिजनेस एरिया में शांति लाएं, अपने ऑफिस में शांति लाएं। और इसको और कैसे समझना है और ये रॉयल रूप में कैसे आती है ये प्रॉब्लम हमारे साथ में, उसको और अंदर से साफ करने के लिए, नई हैबिट्स बनाने के लिए और ये पुराने हैबिट्स को मिटाने के लिए, ताकि हम सक्सेसफुल रहें अपने जीवन में और न्यारे और प्यारे रहें, उसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी का 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आज के ये श्री वरदान, ओम शांति।